हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में दो 650 सीसी सेगमेंट वाले बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 और BSA गोल्ड स्टार 650 है, जिसमें BSA कंपनी ने अपनी गोल्ड स्टार 650 से वापसी की है, जिसको फिलहाल अभी UK में अनवील किया गया है और इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ समय में लॉन्च भी कर दी जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में इस मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों के स्पेक्स में क्या आपको डिफरेंस मिल जाता है, डिजाइनिंग में क्या अंतर देखने को मिल जाती है, दोनों माइलेज क्या देती है, टॉप स्पीड क्या देखने को मिल जाती है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगी। हालांकि BSA गोल्ड स्टार का जो मुकाबला है वो रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 दोनों मोटरसाइकिल्स है, लेकिन यहाँ पे केवल इंटरसेप्टर 650 से कंपैरिजन करने वाले हैं। हालांकि कॉन्टिनेंटल GT में भी सेम फीचर्स मिल जाते हैं, केवल उनके डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल जाएगा और प्राइस में हल्की फुल्की आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पहले इंटरसेप्टर से कंपैरिजन करेंगे, तो चलिए सारी बातें हम डिटेल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो इंटरसेप्टर 650 में कंपनी 7 कलर देती है, जिसमें से सिंगल टोन कलर, डुअल टोन कलर और इसका क्रोम एडिशन भी शामिल है, यानी टोटल आपको 7 कलर मिल जाते हैं, जिसमें मार्क 2, सनसेट स्ट्रिप, बेकर एक्सप्रेस, डाउनटाउन ड्रैग, ऑरेंज क्रश, वेंट्यूरा ब्लू, कैनियन रेड, ये आपको 7 कलर देखने को मिल जाती हैं। तो BSA गोल्ड स्टार में भी 5 कलर मिल जाता है, जिसमें रेड, डॉन सिल्वर, मिडनाइट ब्लैक, हाईलैंड ग्रीन और सिल्वर सीन शामिल है। तो यहाँ पे कलर थोड़ी ज्यादा आपको इंटरसेप्टर 650 में जरूर मिल जाते हैं, लेकिन वही अगर डिजाइनिंग की बात करिए तो यहाँ पे आप इंटरसेप्टर 650 को देख सकते हैं, ये इसका डुअल टोन कलर है, जहाँ पे आपको राउंड शेप का हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है, फ्रंट सस्पेंशन पे रबर लगा हुआ है और यहाँ पे जो फ्रंट फेंडर दी गई है थोड़ी सी आपको छोटी साइज की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो स्पोक्स व्हील दिए गए हैं तो इसके फ्यूल टैंक को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है अलग अलग कलर में। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है तो इसमें आपको छोटा सा रेडिएटर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो इंजन दिया गया है वो आपको ब्लैक और क्रोम फिनिश के साथ मिल जाती है, काफी बड़ी इंजन यहाँ पे दी गई है। ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, फ्लैट सीट मिल जाती है, हालांकि सिंगल सीट और डुअल सीट भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पीछे राउंड शेप का आपको ग्रेबरेल भी देखने को मिल जाती है और टेल लैंप सेक्शन भी दिया गया है। तो ओवरऑल डिजाइनिंग आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वही BSA गोल्ड स्टार की अगर डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें भी राउंड शेप का हेडलैम्प सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे जो फ्रंट और रियर फेंडर दिया गया है ये थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है, स्पोक्स व्हील लगे हुए हैं। यहाँ पे जो इसका रेडिएटर दिया गया है काफी बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है, नीचे बेस प्लेट भी मिल जाता है और यहाँ पे भी इंजन काफी हैवी आपको मिल जाती है। इसके टैंक के ऊपर आपको BSA की बैजिंग मिल जाती है, जहाँ पे आपको ग्लॉसी पेंट स्कीम के साथ ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है, और इसमें इसके खास बात इसके ऊपर आपको टैंक के ऊपरी हिस्से पे भी आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाएगी, और यहाँ पे जो फ्यूल फिलिंग है वो थोड़ी सी साइड में दी गई है। इस कलर में फ्लैट सीट मिल जाती है, पीछे हालांकि इसमें ग्रेवल देखने को नहीं मिल रहा है, शायद एक्सेसरीज के तौर पे इस पे लग जाए। तो इसका जो टेल लैंप है वो काफी नीचे फेंडर पे दिया गया है। तो ओवरऑल डिजाइनिंग आपने देख लिया, जो आपको ज्यादा डिजाइनिंग पसंद है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंजन की अगर बात करें तो इंटरसेप्टर 650 में 648 सीसी का पैरेलल ट्विन 4 स्टॉक एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो गोल्ड स्टार में 652 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ट्विन स्पार्क इंजन दिया गया है। हालांकि ये UK में अनवील किया गया है, तो ये BS6 कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट में जब आएगी तो BS6 कंप्लाइंट के साथ ही आएगी, जिसमें इंटरसेप्टर 650 का इंजन 7150 RPM पर 47.65 HP का पावर, जबकि 5250 RPM पर 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो गोल्ड स्टार का इंजन 6000 RPM पर 45 HP का पावर और 4000 RPM पर 55 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो इंटरसेप्टर में आपको 6 स्पीड तक गियरबॉक्स मिल जाती है, लेकिन गोल्ड स्टार में 5 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया है। तो दोनों के पावर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा पावर आपको इंटरसेप्टर में देखने को जरूर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क दी गई है गोल्ड स्टार में ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन है, जो इनिशियल पिकअप है, वो आपको गोल्ड स्टार में ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इस सस्पेंशन की अगर बात करें तो इंटरसेप्टर में फ्रंट के साइड 41 mm फ्रंट फॉर्क और रियर में ट्विन कॉइल ओवर शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो गोल्ड स्टार के फ्रंट में 41 mm टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर विद 5 स्टेप एडजस्टेबल प्री रोड सस्पेंशन दिया गया है। हालांकि रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर कंफर्टेबल के मामले में तो अच्छी है, लेकिन BSA गोल्ड स्टार कैसी है ये मार्केट में आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो टायर बेस की बात करें तो इंटरसेप्टर 650 में फ्रंट के साइड 100x90 का 18 इंच और रियर में 130x70 का 18 इंच का टायर लगा हुआ है। तो गोल्ड स्टार के फ्रंट में 100x90 का 18 इंच और रियर में 150x70 का रेडियल 17 इंच का टायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी टायर रियर के साइड गोल्ड स्टार में देखने को मिल जाती है। तो इंटरसेप्टर 650 के फ्रंट में 320mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो गोल्ड स्टार के फ्रंट में भी 320mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 255mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है।
तो फ्रंट में आपको दोनों में आपको डिस्क ब्रेक सेम मिल जाती है, लेकिन रियर के साथ थोड़ी सी बेटर आपको गोल्ड स्टार में देखने को मिल जाएगी। तो फीचर्स की अगर बात करें कि दोनों बाइक्स में यानी कि दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स में कितने डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये क्लासिक रेट्रो डिजाइन की बाइक है तो यहाँ पे फीचर्स थोड़े से कम जरूर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे। जैसा कि इसमें आपको सेफ्टी के लिए डुअल चैनल का ABS इंटरसेप्टर 650 मिल जाती है और गोल्ड स्टार में भी मिल जाती है। इंटरसेप्टर 650 में हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है, तो ABS गोल्ड स्टार में भी हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है। इंटरसेप्टर 650 में डिजिटल एनालॉग मीटर दिया गया है, जहाँ पे एनालॉग में इसके स्पीड की जानकारी मिलेगी, डिजिटल में ऑडोमीटर और फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी दिए गए हैं, RPM इंडिकेटर, ABS इंजन ऑयल चेक, इंजन माल फंक्शन, ये सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो ABS गोल्ड स्टार में भी आपको ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर मिल जाता है, जहाँ पे एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर जानकारी मिल जाती है। तो LCD डिस्प्ले भी दिया गया है, यहाँ पे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इंटरसेप्टर 650 में स्लीपर क्लच दिया गया है और गोल्ड स्टार में भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। इसके अलावा गोल्ड स्टार में USB सॉकेट भी दी गई है इसके हैंडल बार्स पे। इंटरसेप्टर 650 में साइड इशन इंजन कट ऑफ का फीचर दिया गया है, गोल्ड स्टार में ऐसा फीचर है या नहीं है फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं है। इंटरसेप्टर 650 में ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, तो वहीं गोल्ड स्टार में सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि आपको क्रोम की देखने को मिल जाती है। इंटरसेप्टर 650 में और गोल्ड स्टार दोनों में इंजन किल स्विच दिया गया है और दोनों में आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स के मामले दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि BSA गोल्ड स्टार मार्केट में आने के बाद इसमें आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे, कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट इसमें करती रहेगी। तो ये माइलेज और टॉप स्पीड की बात करें तो यहाँ पे इंटरसेप्टर 650 25 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज इंडियन मार्केट में देती है, तो BSA गोल्ड स्टार 30 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज देगी ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन इंडियन मार्केट और इंडियन सड़कों पे हो सकता है ये थोड़ी सी कम भी माइलेज दे इतने बड़े इंजन के साथ। तो इंटरसेप्टर 650 की जो टॉप स्पीड है 165 KMPS तक है, तो ये गोल्ड स्टार की जो टॉप स्पीड है कंपनी क्लेम कर रही है 166 KMPS तक। तो इन दोनों के डायमेंशन की अगर बात करें तो इंटरसेप्टर 650 का व्हील बेस 1400 mm है, सीट है 804 mm है, फ्यूल टैंक 13.7 लीटर है, इसका कर्वे 202 kg तक है। तो ये गोल्ड स्टार का व्हील बेस 1425 mm, सीट हाइट 780 mm, फ्यूल टैंक 12 लीटर और इसका कर वेट 198 kg तक है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ी सी सीट हाइट गोल्ड स्टार में कम है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा इंटरसेप्टर मिल जाती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी हल्की आपको गोल्ड स्टार देखने को मिल जाती है। तो ये बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की, तो यहाँ पे BSA गोल्ड स्टार की क्या प्राइस होगी, फिलहाल अभी कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और इसको अभी केवल UK में ही अनवील किया गया है, इंडियन मार्केट में अभी इसको अनवील नहीं किया गया है। तो इसको इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होगी फिलहाल भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्टर 650 के प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सिंगल टोन कलर वेरिएंट, डुअल टोन कलर वेरिएंट और एक क्रोम वेरिएंट शामिल है, जिसमें से सिंगल टोन कलर वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस 3.23 लाख रुपीज यानी कि 3,23,000 रुपये तक है, डुअल टोन कलर के साथ ऑन रोड प्राइस 3.32 लाख रुपीज यानी कि 3,32,000 रुपये तक है। तो इसका जो क्रोम एडिशन है जिसमें आपको केवल एक कलर मिलेगा उसका ऑन रोड प्राइस 3.47 लाख रुपीज यानी कि 3,47,000 रुपये तक है। और यहाँ पे जो मैंने प्राइस बताया है ऑन रोड आपको मैंने बताया, तो BSA गोल्ड स्टार की क्या प्राइस होगी आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर 650 के प्राइस के आसपास BSA गोल्ड स्टार को भी लॉन्च किया जाएगा जब भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में BSA गोल्ड स्टार का मुकाबला इंटरसेप्टर 650 से ही होने वाली है। आप चाहें तो BSA गोल्ड स्टार का प्राइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपके हिसाब से कितनी रखी जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में जितने भी डिफरेंस हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और दोनों में से कौन सी आपको अच्छी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और क्या अभी BSA गोल्ड स्टार को इंडियन मार्केट में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।